में हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें हम लोगों की मूर्खता दिखेगी और सरकार की चालाकियाँ कहें सकें सरकार की भी मूर्खता ही दिखेगी। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और उसके बाद में अगर शेयर नहीं किया तो इसमें आपकी भी मूर्खता ही दिखेगी, क्योंकि आप लोगों को जागरूक नहीं कर रहे ना। आपका भी तो एक फर्ज है ना कि लोगों को जागरूक करें। तो चलिए देखते हैं, इसमें भ्रष्टाचार की बातें भी थोड़ी सी होंगी, किस लेवल में फैला हुआ है। तो अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपका किन किन कारणों से चालान कटता है? उसमें से एक है आपका हेलमेट ना होना, ड्राइविंग लाइसेंस ना होना, और प्रदूषण का कागज ना होना, प्रदूषण का कागज ना होना, हेलमेट और लाइसेंस RC ये चीज़ें ना होना। तो एक एक चीज़ों को लेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं, इसका कहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें ड्राइविंग लाइसेंस या DL की, तो आप लोगों को बता दें कि शायद आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, किसका, टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का, है ना, है बहुत से लोग। लेकिन इसमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, जो लोग हों तो नीचे कमेंट करके बता देना कि जो कभी भी फोर व्हीलर की ड्राइविंग सीट पर बैठे तक नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कौन सी क्लिच होती है, कौन सी ब्रेक और कौन सा एक्सीलेटर होता है। तो कुछ लोग होंगे ना, लेकिन बन कैसे गया? आपने रुपए दिए, उन्होंने बना के दे दिया। हालांकि हुआ तो आपका टेस्ट टू व्हीलर का भी नहीं है, लेकिन आपको आता है चलाना, टेस्ट नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से लोग होंगे और ऐसे बनता है अभी भी, खाली आप 4,000 रुपये दे दें और आपका काम हो जाएगा। पॉइंट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट एक लाइन बोलनी ज़रूरी है कि इस वीडियो में जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया है, दूसरा है प्रदूषण का। DL वाला हो गया ना, DL कैसे बनता है? 4,000 रुपये दो, घर पे बैठे रहो, फिर भी बन के आ जाएगा, है ना। और वही कागज़ अगर आप दिखाएंगे तो आपका चालान नहीं होगा, ऐसा होता है। तो इससे तो ये समझ सकते हैं कि 4,000 रुपये की कोई पर्ची हम किसी दुकान से ख़रीद रहे हैं और वो पर्ची दिखा देते हैं तो आपका चालान नहीं होता है। तो अगर इसे और थोड़ा डीप समझें तो ये कह सकते हैं कि हम एक कागज़ दिखा रहे हैं जिस पे हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हमने कुछ रिश्वत दी है, उसका ये सर्टिफिकेट है। तो सरकार कहती है चलो इसकी रिश्वत हमारे पास आ चुकी है तो इसे अब छोड़ देते हैं, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस का यही मतलब हुआ। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं टेस्ट होता है, बेकायदा पूरी प्रोसेस होती है, उसकी बात अलग है। और अगर कोई ये सोचा हो कि इसके बारे में सरकार को नॉलेज नहीं है कि इस तरह से काम होता है, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख। ये पहला पॉइंट हो गया, DL की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रदूषण कागज़ की। तो प्रदूषण कागज़ क्या होता है? उसमें ये एनालाइज किया जाता है कि आपका गाड़ी कितना प्रदूषण छोड़ रही है, उसका एक कागज़ बनता है। उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, जब आप प्रदूषण कागज़ बनवाने जाएँ तो आपको बाइक ले जानी है अपनी, और उसका जो साइलेंसर है उसमें एक ट्यूब से डाला जाता है जिससे वो पता करता है कि इसमें कितना प्रदूषण छोड़ रही है। लेकिन वो भी किस तरह से बन रहा है उसकी बता दें कि आप लोग, बहुत से लोग गए होंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ उसने आपके जो नंबर प्लेट है उसकी फ़ोटो खींची होगी, कोई गाड़ी का टेस्ट नहीं किया होगा, कोई भी कुछ नहीं किया होगा, और उसने बना दिया होगा, सिर्फ 60 रुपये लिए होंगे या 70, जो भी लिए होंगे, वो उसकी अलग अलग जगह की बात है, ठीक है। लेकिन बहुत से जो ये लोग जो प्रदूषण कागज बनाते हैं, इनका ये कहना है कि आप गाड़ी के नंबर प्लेट की सिर्फ फ़ोटो ले आओ, मैं सब बता दूंगा कि कितना प्रदूषण छोड़ रही है आपकी गाड़ी, सिर्फ नंबर प्लेट की फ़ोटो। ये होता है, और अगर कोई ये सोचा है इसके बारे में किसी को पता नहीं है तो सबको पता है, लेकिन होता है इस तरीके। तो भ्रष्टाचार कहते हैं, क्योंकि जो वहाँ से इनकम होती है वो हर चरण पे जाती है। जैसे DL में जो आप बनवाते हैं ना, तो वहाँ से जो कमाई होती है वो हर ऊपर तक जाती है, तो कोई किसी का मुँह नहीं खुलता है, सारे काम चलते हैं। आज से तो चल रहे हैं कि अगर कहा जाए कि नहीं इस गवर्नमेंट में चल रहे हैं, पिछले नहीं चल रहे थे, तो ये एक सब मूर्खता रहेगी, ये हमेशा से चलते आए हैं। और क्योंकि अब मैन व्यक्ति तो हर चीज़ देखेगा नहीं, नीचे उन्होंने सिस्टम को लगाया हुआ, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, तो उसकी बात ही अलग है। उससे बड़ी बात क्या है कि जब आपका चालान कटता है तो आप देखते हैं बहुत सी जगह पे ये सिंपल जो खाकी वर्दी में पुलिस घूमती है ये भी चालान काट देती है,
इनके पास कोई अधिकार नहीं है चालान काटने का, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को आपका चालान काटने का अधिकार है। लेकिन उस टाइम भी हम इतना घबरा जाते हैं, हालांकि हमें नॉलेज भी नहीं होती है, तो हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आपके पास इसका अधिकार है जो आप ये काम कर रहे हैं। हालांकि उनके जो काम होंगे वो तो सब छुटे पड़े होंगे, कोई केस होगा या कुछ भी तो उसका कुछ नहीं होगा, वो लोग भी आपका चालान काटने आ जाते हैं। तो आपको कम से कम एक बार तो ये उनसे पूछना है कि आप ट्रैफिक पुलिस हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस हैं तो आप ये वर्दी क्यों पहने हुए हैं, पूछ लेना है। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा चालान बढ़ जाएगा थोड़ा, लेकिन हर कोई पूछेगा तो थोड़ा सा उनके अंदर रहेगा, ठीक है। तो पूछ लेना है कि क्या ट्रैफिक पुलिस हैं आप, क्या आपके पास ये अधिकार है। इसमें वो भड़क जाएगा और थोड़ा ज़्यादा चालान काट देगा, वो अलग बात है, लेकिन पूछना है। हो सके तो एक वीडियो निकाल लो छोटा सा। उसके बाद में आते हैं, दो पॉइंट हो गए, फिर दूसरा कागज़ DL, दोनों कैसे बनते हैं वो भी पता चल गया। इनके मतलब कोई पूरी तरह से मूर्खता है ना इन दोनों चीज़ों की, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग हेलमेट। हेलमेट आपकी सुरक्षा है, आपको पहनना चाहिए, लेकिन SI मार्क का हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप SI मार्क का हेलमेट नहीं पहने हैं तो आपका चालान कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जब ये बिक सकते हैं मार्केट में, तो उन बेचने पर इन लोगों को चालान मतलब उनको सील क्यों नहीं किया जाता, बेचने की इजाज़त क्यों दे दी गई और क्यों ये लोग उसे नहीं रोक पा रहे हैं। बाहर से भी कमा रहे हैं, यहाँ से भी कमा रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता समझें या फिर पूरा सिस्टम समझ गए, तो इन्हें वहाँ पे इसे बंद कर देना चाहिए। यही तो है कि चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब आता है ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब आप दारू पी के वाहन नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, नहीं चलाना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप लोग कभी हाईवे पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हाईवे पर बियर्स ऑफ देसी ठेका ये सारे मिल जाते हैं। अब कोई हमें बहुत ही जागरूक व्यक्ति ये बताएगा कि हाईवे पे कौन भाई अपने घर से पैदल चलकर आएगा 10-20 किलोमीटर वहाँ पे दारू पीने। वहाँ पर तो वही दारू पिएगा ना जो गाड़ी से आएगा, रोकेगा वो पिएगा ना, पॉइंट है कि नहीं है। लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव मना है, ठेके को लाइसेंस मिल जाएगा, आप कहीं भी अपना ठेका खोल सकते हैं, हाईवे पे खोलने का भी मिल जाएगा, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउ नहीं है। कुछ पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ओके, तभी बोल रहा था कि ये वीडियो थोड़ा शेयर करना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई ड्रिंक एंड ड्राइव की, और कुछ बचा है? और भैया जब आप गाड़ी लेते हो ना, अगर आपकी 4-व्हीलर ले रहे हो या 2-व्हीलर ले रहे हो, तो अगर आपकी 70-65 की गाड़ी है ना तो वो 80 की पड़ती है 65 की गाड़ी, ये बात समझ लो। तो बाकी ये सब क्या क्या देते हैं वो तो हमें पता है, उसके बाद में है ये सारा मूर्खता वाले काम होते हैं। मतलब अगर आपको सही है चेकिंग करनी है, पूरी व्यवस्था करो, ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करे, ये भी तो देखना चाहिए कि ये जो ड्रियल है ये मतलब इसका टेस्ट होके बन रहा है हमारे क्षेत्र में या नहीं, ये भी तो देखना चाहिए। प्रदूषण का अगर प्रदूषण चेक होके बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी तो देखना चाहिए। नहीं, हमें सिर्फ रुपये चाहिए। थोड़ा और बात करें, एक बात करेंगे ई चालान की। ई चालान जो उसके बारे में थोड़ी सी अच्छी सी बातें करते हैं। ई चालान क्या होता है, उसमें आपको खड़ा किया जाता है, वहाँ पे आपकी फ़ोटो खींच ली जाती है और आपका एक मैसेज आ जाता है आपके नंबर पे, मतलब पूछते हैं नंबर पे कि हाँ आपका ई चालान हो गया। ये मेरा भी एक बार कटा भाई, तो उस पर लिखा था आपको 3 दिन के अंदर जमा करना है। दोबारा जब मैंने वहाँ पे हेल्पलाइन में बात की तो आपको 15 दिन के अंदर जमा करना है। लेकिन जब मैंने और रिसर्च की तो पता चला लोग सालों जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं जमा करना चाहिए, 500 की बात है। तो भाई हम पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैं वो आपको नहीं कहूँगा कि आप लेट जमा करें, टाइम से जमा करें अगर आपका चालान कट रहा है।
तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पहुँचे तो मुझसे पहले जो व्यक्ति था उसका 1 महीना हो गया था, मेरा भी 1 महीना हो गया था। लेकिन जब जमा करने पहुँचे तो वहाँ पे भी भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा था पीछे वाले, उससे पूछा तो बहुत दिन का हो गया, उसने कहा सर 1 महीने का हो गया। कहीं 600 पड़ेंगे, नहीं तो कोर्ट जाना पड़ेगा। उसने तुरंत 600 निकाले, पकड़ा दिए। अब तो जमा कर दिया, तब उसने कहा कि सर कोई स्लिप मिलेगी इसकी? तो भाई साहब बोले कि प्रिंटर ख़राब है, स्लिप नहीं मिल पाएगी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जानना। फिर आया हमारा नंबर, हमारा भी भैया डेट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हमारा भी वही सिस्टम आ गया। हम थोड़े भाई टेक्निकल थे, तो हम पहले रिसर्च करके गए थे। हमने कहा कितने दिन हो गए? हमने बोला 1 महीना। भले अब नहीं होगा कोर्ट जाओ, हम समझ गए 600 पड़ने वाले हैं। हमने कहा नहीं, हमने हेल्पलाइन पे बात की थी लखनऊ, तो उन्होंने बोला 1 महीने तक जमा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने 15 दिन बोला था, उन्होंने कहा ना 3 दिन होता है, आप 7 दिन तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद कोर्ट जाएंगे। हमने कहा 600 पड़ेंगे क्या? बोला नहीं ठीक। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि हाँ हेल्पलाइन और लखनऊ और ई साइट और ऑनलाइन, हालांकि ऑनलाइन साइट उन्होंने ख़राब कर रखी है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, पेंडिंग भाई बैंक बता रहा है, हमारा नहीं बहुत से लोगों को बता रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का जमा भी हो रहा होगा, तो हमारे एरिया की ख़राब कर रखी है, क्योंकि वहाँ से भी कमाई हो जाती है। तो लेकिन फिर जब हमारी भाई नॉलेज थी थोड़ी, तो मैंने बोला कि अभी रुको, अभी हम बात कर रहे हैं। तो बोला अच्छा चलो तुम्हारे जमा कर देते हैं। और मेरा 500 में जमा हुआ, और मेरा जमा होते ही प्रिंटर भी उनका सही हो गया। हमसे पहले वाले का प्रिंटर भी नहीं सही हुआ था, मेरा जमा होते ही प्रिंटर भी सही हो गया। तो इस तरह की हर जगह भ्रष्टाचार होता है, लेकिन आपको अगर भ्रष्टाचार से बचना है तो आपको थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी हर क्षेत्र में, तो आप थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं। बाकी आवाज़ उठाते रहें, कोई अगर ऐसी बातें कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो उसका सपोर्ट भी करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर, वीडियो को शेयर तो करना बनता है ग्रुप में, नहीं करोगे तो फिर तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बाकी इसी तरह की कोई मतलब डीप थिंकिंग वाला वीडियो लाएंगे अच्छा सा। अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द।